नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 जनवरी 2020 से अब शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति शुरू कर दी गई है। तो इसी ऑनलाइन उपस्थिति के चरण में अब किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए कार्मिक को शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर या स्टाफ विंडो के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम शाला दर्पण के स्टाफ विंडो या स्टाफ कॉर्नर की मदद से अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथी, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट सकती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर लीव एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की। तो शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर किसी भी प्रकार की लीव के लिए, अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर यानी स्टाफ विंडो पर चलना होगा। तो शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर चलते हैं। अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आकर आपको लिखना है राज शाला दर्पण और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है इंटीग्रेटेड शाला दर्पण, इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार की विंडो खुल जाएगी। यह विंडो शाला दर्पण का मेन पेज है। अब यहाँ आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ आपको दिखेगा सिटीजन विंडो और सेकंड वाला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्टाफ विंडो, इस पर क्लिक कर देना है। आपको मैं बता दूं साथियों, इसका नाम सबसे पहले स्टाफ कॉर्नर रखा गया था लेकिन अब इसका नाम बदलकर स्टाफ विंडो कर दिया गया है। तो आप स्टाफ कॉर्नर और स्टाफ विंडो को लेकर आप कन्फ्यूज ना हो, इस पर क्लिक कर दें। अब आप स्टाफ कॉर्नर यानी स्टाफ विंडो की पेज पर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने से पहले आपको स्टाफ कॉर्नर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देखें। इस वीडियो में हमने स्टाफ विंडो या स्टाफ कॉर्नर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ साथ स्टाफ कॉर्नर की डिटेल जानकारी दी है, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। ये प्रोसेस जो मैं बताने जा रहा हूँ ये रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रोसेस है। किसी भी प्रकार की लीव के लिए आवेदन करने के लिए आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ आपको ये साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टाफ लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टाफ विंडो का ये वाला लॉगिन पेज खुल जाता है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर यूजर नेम में आपको अपना शाला दर्पण लॉगिन आईडी डालना है और नीचे यहाँ पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड सेट कर रखा है वो डालना है। तो चलिए हम जल्दी से अपना शाला दर्पण आईडी और पासवर्ड डालकर स्टाफ विंडो पर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर अपने शाला दर्पण आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। तो आपको किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहां आना है आवेदन पर और क्लिक करना है। अगर आप ये काम मोबाइल में कर रहे हैं तो क्लिक करने के बजाय आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा, तब जाके ये वाला मेन्यू बार खुलेगा। अब यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्थानांतरण हेतु आवेदन, दूसरा है अवकाश हेतु आवेदन और तीसरा है एचएम सीनियरिटी। तो हमें फिलहाल अवकाश के लिए आवेदन करना है इसलिए हम केवल ये वाला ऑप्शन ही देखेंगे। तो हम यहाँ अवकाश हेतु आवेदन पर क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद ये वाला ऑप्शन और दिखाई देता है अवकाश हेतु आवेदन, इस पर भी क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने लीव एप्लीकेशन का फॉर्मेट आ जाता है। लीव एप्लीकेशन के इस फॉर्मेट में आपके पास कुछ डिटेल्स प्रीफिल्ड है, जैसे एप्लीकेंट का नाम है, पोस्ट है और इसके बाद लीव रीजन, आप अवकाश क्यों लेना चाह रहे हैं। इसके कुछ फ्री फील्ड ऑप्शंस है जैसे डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक पर्सनल है यानी कोई व्यक्तिगत कार्य है, कैजुअल, इंसिडेंटल है। तो इनमें से जो भी आपके लिए अप्रोप्राइट ऑप्शन लग रहा है वो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेडिकल ग्राउंड पे ले रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, लीव फॉर वोट कास्टिंग। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको एक एक करके समझ लें।
अगर आप किसी ऑप्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में बता दूंगा कि वह ऑप्शन किस प्रकार की लीव के लिए काम में आएगा। तो फिलहाल मुझे मेडिकल ग्राउंड पर अवकाश चाहिए, इसलिए मैं मेडिकल ग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में लीव टाइप में अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। लीव टाइप में यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है कैजुअल लीव, जिसे आकस्मिक अवकाश या सीएल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कम्यूटेड लीव, ये रूपांतरित अवकाश होता है। हाफ पे लीव, जिसे HPL कहा जाता है। मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन करना हो तो इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पेटर्निटी लीव के लिए CCL के लिए इससे आवेदन करना है। स्टडी लीव अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और लीव विदाउट पे LWP तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कंपनसेट कैजुअल लीव यानी क्षतिपूर्ति अवकाश, ये स्पेशली मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए है फिलहाल, तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिविलेज्ड लीव यानी उपार्जित अवकाश या PL आप ले रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और सवैतनिक अवकाश अगर आप ले रहे हैं, सवैतनिक अवकाश में वो वाले अवकाश आते हैं जैसे अभी हाल ही में आपको चुनाव में वोट देने के लिए ये वाला अवकाश मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाफ CL लेना चाहते हैं तो हाफ CL वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो चूंकि हमें मेडिकल ग्राउंड पे मेडिकल लीव लेनी है तो यहाँ आपको कम्यूटेड लीव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ध्यान दें, अगर आप मेडिकल लेना चाहते हैं तो आपको कम्यूटेड लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये रूपांतरित अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको यहाँ फ्रॉम में वह तारीख सेलेक्ट करनी है जब से आप छुट्टी पर जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेते हैं कैलेंडर में से। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ 29 जनवरी, और यहाँ पे ऑप्शन है फुल डे और हाफ डे, तो चूंकि मेडिकल लीव लेनी है तो मैं फुल डे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हाफ डे का ऑप्शन HPL के लिए है स्पेशली, और यहाँ सेलेक्ट वाला ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है तो आगे बढ़ जाना है। और ये फ्रॉम के बाद में आता है टू, यानी कब तक आपको ये लीव लेनी है, तो इसके बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है मंथ और डेट। तो मुझे ये 1 फरवरी 2020 तक लेनी है, इसलिए मैं 1 फरवरी 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ फुल डे ही रहेगा और यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देता है कि टोटल कितने दिन होते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ डेज आ गया है 4 दिन की। और अगला जो ऑप्शन है हेडक्वार्टर लीव रिक्वायर्ड, क्या आप हेडक्वार्टर लीव करना चाहते हैं यानी हेडक्वार्टर छोड़ना चाहते हैं या मुख्य आवास छोड़ने की अनुमति चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद जैसे आप हेडक्वार्टर लीव मांगते हैं तो एड्रेस ड्यूरिंग लीव आपको देना होगा। तो एड्रेस ड्यूरिंग लीव यानी आप अवकाश के दौरान कहाँ रहेंगे, तो फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बताने के लिए होम टाउन लिख देता हूँ। अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो अपना फुल एड्रेस यहाँ पर लिखें। इसके बाद रिमार्क में आप कारण डाल सकते हैं, ये वाला जो लीव रीजन है इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इलनेस लिख दे रहा हूँ। और इसके बाद अगला काम होगा नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाता है जो आपने अप्लाई किया है एप्लीकेशन के लिए, उसको एक बार चेक करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ बता देता है कि किस प्रकार की आप अवकाश ले रहे हैं और कब से कब तक ले रहे हैं और कुल कितने दिन की हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ एक डिक्लेरेशन है कि आई हियर वाई सोलमनी डिक्लेयर दैट आई हैव अप्लाइड फॉर लीव एज पर RSR इन केस माई स्टेटमेंट इज फाउंड फॉल्स और proved until I shall be liable to subject myself to disciplinary proceeding under the Rajasthan Civil Services। कुल मिला के इसका मतलब यह है कि मैं RSR के अंतर्गत ही लीव के लिए आवेदन करना चाह रहा कर रहा हूँ, और अगर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही होती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। लास्ट में ऑप्शन है आई एम सबमिटिंग विद सबमिट द हार्ड कॉपी ड्यूली साइंड इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट टू द स्कूल हेड, यानी मैं एक लिखित रूप में भी ये एप्लीकेशन वहां पर HOD को उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद में, डिक्लेरेशन करने के बाद आप आवेदन करें पर क्लिक करें। जैसे आप आवेदन करते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाता है लीव रिक्वेस्ट अप्लाइड। इस प्रकार आपकी फर्स्ट स्टेप हो जाती है, यानी आपकी एप्लीकेशन आपके DDO के पास शाला दर्पण पर पहुंच जाती है। अब अगला जो काम है, आपकी लीव अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है वो देखने के लिए आप यहाँ स्टेटस पर क्लिक कर लें। तो यहाँ जैसे आप स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपके पास पेंडिंग की डिटेल बताएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे वही डिटेल है।
सीरियल नंबर है, टाइप है, फ्रॉम यानी कब से कब तक ली है और क्या रीजन था, और स्टेटस क्या बता रहा है अभी, तो यहाँ पेंडिंग बता रहा है फिलहाल, यानी डीडीओ के पास अभी हमने सेंड किया है तो ये पेंडिंग ही बता रहा है। जैसे डीडीओ आपको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा तो ये स्टेटस में वो मेंशन करने लग जाएगा। और अब इस एप्लीकेशन का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और ये फॉर्मेट आपके सामने आ जाता है। अब आप इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो चलिए अभी हमें प्रिंट आउट नहीं लेना है, सिर्फ आपको बताना है। तो ये सारी डिटेल आ गई है, जब भी आप छुट्टी बिताकर स्कूल जाएं तो आप इसका प्रिंट आउट वहां पर जमा करवा दें अपने डीडीओ के पास या एचओडी के पास। अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, ऑल एप्लीकेशंस, तो इसमें जितने भी प्रकार के एप्लीकेशन हमने अभी तक शाला दर्पण के माध्यम से भेजे हैं अपने अधिकारियों को वो डिटेल आ जाएगी। फिलहाल हमने एक ही एप्लीकेशन भेजा इसलिए केवल एक ही आ रहा है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लीव रूल्स, इसमें अवकाश से संबंधित नियम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चाइल्ड केयर लीव के रूल्स हैं। ये वाला जो ऑप्शन है वो अदर लीव के लिए रूल्स से संबंधित जुड़ा हुआ, आप यहाँ से डाउनलोड करके अदर लीव रूल्स देख सकते हैं। राजस्थान कैजुअल लीव से रिलेटेड रूल्स यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कुछ भी अगर आप जानकारी चाह रहे हैं लीव रिलेटेड तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये तीन ऑप्शन है लीव के लिए अप्लाई करने का। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है साथी वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।